बाढ़ और आपदा प्रबंधन। जम्मू कश्मीर समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता आया है। कभी यहाँ भूकंप आता है तो कभी भूस्खलन, कभी यहाँ के वनों में आग लग जाती है तो कभी शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ समय समय पर बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न होती रहती है। चलिए जानते हैं बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में जब अत्यधिक पानी जमा हो जाता है या भारी बारिश के कारण नदियों की गति और पानी का स्तर बढ़ जाता है तो इसे बाढ़ कहते हैं। किसी भी अन्य आपदा की तुलना में बाढ़ के कारण जान माल का ज्यादा नुकसान होता है। विनाशकारी है बाढ़। बाढ़ से जान माल को भी क्षति होती है। संपत्ति, घर, खेत खलिहान, पशुधन आदि सभी को नुकसान पहुंचता है। जमा की हुई खाने पीने की चीजों के स्टॉक की हानि भी होती है। पानी और भूमि भी दूषित होती है। बाढ़ में आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां। बाढ़ आने पर स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इस आपदा के बारे में स्थानीय प्रतिनिधियों को पता होना चाहिए। ध्यान रहे कि बाढ़ के पहले की गई तैयारी होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकती है। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि बाढ़ से बचने के उपाय क्या हैं और एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते बाढ़ आने पर हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। बाढ़ आने से पहले क्या करें? बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाएं। पानी के निकासी का प्रबंध करें। नालियों की सफाई समय समय पर करवाएं। बाढ़ के पानी को घुसने से रोकने के लिए सीवर टैप्स में चेक वॉल्व लगवाएं। अपने क्षेत्र में बांधों, बीमों तथा फ्लड वॉल्व्स के निर्माण की योजना बनाएं। रिसाव को रोकने के लिए अपने बेसमेंट में वाटरप्रूफिंग कंपाउंड से दीवारों को सील करें। बाढ़ की चेतावनी जारी होने पर क्या करें? अफवाहों से बचें और उन पर ध्यान ना दें। सही खबरों के लिए रेडियो, टेलीविजन और अखबार पर ही भरोसा करें। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ऊंचे स्थानों की तलाश करें। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को सबसे पहले ऊंचे स्थान पर भेजें। बाढ़ आने पर क्या करें? बहते पानी में ना चलें। 6 इंच की गहराई वाले बहते पानी में आप गिर सकते हैं। यदि आपको पानी में चलना हो तो वहां चलें जहां पानी बह ना रहा हो। अपने आगे जमीन की सतह की मजबूती और पानी के स्तर को जांचने के लिए छड़ी का प्रयोग करें। बाढ़ वाले इलाकों में ड्राइविंग ना करें। पालतू जानवरों को घर के अंदर या किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। खाने पीने के स्टॉक को सुरक्षित रखें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और मूल्यवान सामानों को सुरक्षित रखें। बाथटब, सिंक और स्टोरेज कंटेनर आदि में साफ पानी भरें। बाढ़ के कारण अक्सर पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है। ऐसे में स्टोर किया हुआ पानी काम आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों या गैस को बंद कर दें। बाढ़ के बाद क्या करें? यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। बाढ़ के पानी से बचें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आने पर कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर पावर लाइनें टूटकर गिरी हुई हों, तो उनसे दूर रहें। बिजली कंपनी को रिपोर्ट करें। इमारतों में प्रवेश करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। बाढ़ से बचने के लिए जहरीले जीव जंतु वहां मौजूद हो सकते हैं। अपने क्षेत्र में जल्द से जल्द सेप्टिक टैंक, गड्ढे और लीचिंग सिस्टम को ठीक करवाएं। सार्वजनिक नुकसान का आंकलन करें और उसकी रिपोर्ट अधिकारियों को भेजें। अपने क्षेत्र में अवैध रेत खनन, जंगलों की कटाई, नदियों के आसपास की जमीन पर कब्जे आदि पर रोक लगाएं। ध्यान रहे कि रेत पानी को स्पंज की तरह सोखने में सहायक है। जंगल और पेड़ भी पानी के वेग को कम करते हैं।
देखा जाए तो पेड़ किसी स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं और पानी के बहाव को रोकते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि आज की तैयारी ही कल के संकट को रोकने में सहायक है। मदद का हाथ आगे बढ़ाएं, प्राकृतिक आपदाओं से ना घबराएं।